गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट SST ज्योग्राफी पार्ट हिंदी मीडियम से. चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा एग्रीकल्चर. आज हम पढ़ेंगे अखाद्य फसलें. अखाद्य फसलें में जो फसलें खाई नहीं जाती उसे हम अखाद्य फसलें बोलते हैं. जैसे रबड़. रबड़ देखिए, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है. इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है. देखिए, ये जो भूमध्य रेखीय जलवायु में पाई जाने वाली फसल है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में ये खेती इसकी रबड़ की जाती है. रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है. इसे मुख्य रूप से केरल, देखो ये इसमें यहाँ पैदा होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में, मेघालय की जो गारो खांसी गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है. प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में 5वें स्थान है. प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में किस नंबर है? 5 नंबर पर भारत का स्थान है. आगे देखते हैं कि दूसरी जो फसल है हमारी अखाद्य फसलों में, वे हमारी रेशेदार फसलें. रेशेदार फसलें देखिए, रेशेदार फसलें में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम. भारत में उगाए जाने वाले 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं. इनमें से पहले 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकन से प्राप्त होती है. अर्थात सैतूत के पेट के ऊपर रेशम के कीड़े पाल कर भी फसल की जाती है. देखिए इसमें, जैसे जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियां पर पलता है. मलबरी क्या होती है? मलबरी कहते हैं सैतूत को. सैतूत के पत्ते पर पल जाता है. रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन अर्थात सेरिकल्चर कहते हैं. अंडरलाइन करिए कि रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है उसे रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है. उसके बाद में हमारा है कपास. कौन सी क्रॉप है? कपास. देखिए, कपास भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है. अर्थात हम कह सकते हैं जो कपास है ना, ये कहीं विदेश से नहीं लाया गया है. जैसे हमारे चाय का पौधा है, कॉफी है, ये विदेश से है, लेकिन कपास का पौधा है भारत का, ये मूल पौधा है. सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है. कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3rd स्थान है. कपास उत्पादन में भारत कौन स्थान है? 3rd स्थान है. दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है. जैसे कि आपको पहले चैप्टर नंबर बताया था मिट्टियों के प्रकार, तो काली मिट्टी के लिए जो फसल में नैवे है कपास. इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए. जब कपास के पौधा में फूल खिलता है उस समय पाला नहीं रहना चाहिए, किस पाला नहीं होना चाहिए, और खिली धूप की आवश्यकता होती है. यह खरीफ की फसल है. खिलती धूप या खिली हुई धूप इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि उस समय पौधे को विकसित होने के लिए धूप की आवश्यकता होती है और इसे पककर तैयार होने में से 6 से 5 महीने लगते हैं. अब देखिए, कपास उत्पादन के कौन कौन से राज्य हैं? जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं. उसके बाद में अगला जो हमारा है जूट. जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन फाइबर. जूट जो है इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है. जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल विकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है. इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है. कैसी होती है? ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है.
तो ये बताएं, होती है पश्चिमी बंगाल बिहार, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है ना, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग बोरिया, जैसे जूट का प्रयोग किसमें किया जाता है, बोरिया बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु धागे, गलीचे, इनमें किया जाता है। दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में इनका किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमतें कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि कपास अधिक महंगी हो रही है, सूती वस्त्र अधिक महंगे आते हैं, लेकिन नायलॉन जो है ना, नायलॉन सस्ता पड़ता है सूती वस्त्र उद्योग से। इसलिए हमारे भारत देश के अंदर आज भी यानी कि नायलॉन के चलने से हमारे सूती वस्त्र उद्योगों पर एक कुठाराघात हुआ है, एक समस्या क्रिएट हुई है, सूती वस्त्र उद्योग में नुकसान हुआ है। तो ये थे हमारे खाद्य फसलें। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा इसका जो टॉपिक है, जिसे बताया कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कि कौन कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं जिसके कारण हमारे जो भारतीय जो कृषि है ना, उसके लोगों का रुझान बढ़ाया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, यानी भारत का जो व्यवसाय है ना कृषि, ये आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी कि किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, बिल्कुल ठीक है कि आज का जो भारतीय किसान है ना, उसके पास सिंचाई के कोई साधन है नहीं, इसलिए वे आज भी मानसून के ऊपर निर्भर है कि जब मानसून की बरसात होगी तो उसमें अपनी फसल को बोता है, और साथ में उसके पुराने हो जा रहे हैं, जो एक भारतीय किसान के सामने एक बहुत भारी समस्या है। मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, जब उसके पास वैसे कोई खाद नहीं है तो उन खादों का यूज कर से, अगर है तो उनमें सब्सिडी नहीं दी जा रही है, बहुत महंगे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लगाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जैसे अब देखिए कौन कौन सुधार किए गए, भारतीय किसान को मजबूत करने के लिए कौन कौन से सुधार किए गए जिससे किसी की स्थिति अच्छी बन सके, जैसे चकबंदी होना, जैसे खेत के जो टुकड़े हुए हैं या तो दूर दूर बटी है उसको यानी कि एक पास करना, उसको चक बनाना ना, एकत्रित करना, कि छोटे छोटे टुकड़ों को जैसे जोड़ते हैं ना, पेच वर्क करते हैं, ऐसे चकबंदी। सहकारिता मतलब है सहयोग की भावना, जैसे किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, ऐसे सहकार करना। जमींदारी आदि समाप्त करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, क्योंकि जमींदार और किसान में अंतर है। जमींदार वे होता है जो भूमि का मालिक होता है, लेकिन वे मालिक होने के नाते वे ऐश और आराम से घर रहता है, लेकिन उसकी खेती के ऊपर काम करने वाला होता है किसान, जो मेहनत करता है लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है, वे उसको पट्टे के रूप में लेके, अस्थायी रूप से लीज के रूप में लेके वे खेती करता है, जिसका अधिकांश भाग मालिक को, जमींदार को चल जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। और क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, भूमि सुधार के कार्यक्रम लगाए कि हाँ हमें ये ऐसा करना है, भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य रखा। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बटी जा रही है, भूमि है ना पुश्तैनी, पुश्तैनी जैसे मान ले 5 बीघा जमीन है और एक पिता के 2 पुत्र है, तो वे आपके हाफ हाफ यानी 2/2 यानी कि 2.5-2.5 बीघा आ जाएगी। अब मान ले उसके भी एक ही बेटे हैं तो वे 1.25 बीघा ही। इस प्रकार से आए दिन पुश्तैनी जो जमीन है ना उसके टुकड़े हो रहे हैं, जिससे जुताई बुआई में बड़ी परेशानी होती है।
यार एक पुस्तक अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य है, जिसको यानी कि इकट्ठा करना ना बहुत ही जरूरी है। तो ये है हमारी भारतीय किसान उसकी समस्या। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कारण हैं, देखिए जैसे जैसे देखिए उसमें भूमि सुधार के कानून भी तो बने, भूमि सुधार से कानून तो बने परंतु इसे लागू करने में ढील हो गई। जैसे 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, यानी भारत सरकार ने ना 60 और 70 में बहुत से सुधार किए कृषि के लिए, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कहते हैं ऑपरेशन फ्लू, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां प्रारंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह पाया। अर्थात हरित क्रांति आने के बाद में भी इसका विकास पूरे भारत देश में नहीं हो पाया, ये कुछ ही क्षेत्र में सीमित रहा, जैसे पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसलिए 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम चालू किए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़ जैसे, ये भी ऐसे कारण थे जैसे सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित की गई। ये की गई कि हाँ हमें को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक भारतीय किसान को उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो भारतीय किसान का कृषि के प्रति उसका यानी कि लगाव नहीं होगा। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरुआत की। देखिए जिसे हम कहते हैं ना KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, क्या किसान को उसकी जमीन से उसको पैसे मिल सके। उसकी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जैसे मान लीजिए किसान है और वे रात के समय अपने फार्म में अपने खेती पर पानी दे रहा है, अपने उसको इरीगेशन कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, अचानक उसको सर्प खा गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो किसान का पूरा परिवार बड़ा यानी कि सफर करेगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए भारत सरकार ने समय समय के ऊपर भारतीय किसान को उसकी अच्छी स्थिति बनाने के लिए कृषि पर ध्यान देते हुए उसने यानी इस प्रकार की स्कीम लागू की है, ताकि किसान अगर कुछ कोई अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाती है, तो उसके परिवार को यानी कि एक अच्छा जीवन यापन हो सके। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, कि समय समय के ऊपर हमारे भारतीय किसान को दूरदर्शन चैनल के माध्यम से और बुलेटिन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में बताया जाता है, कि अब कौन सा मौसम है, खरीफ का है, रबी का है या जायद है, कौन सी फसल बोनी चाहिए, उसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर तापमान होना चाहिए और हम उसकी पैदावार कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें हमारे दूरदर्शन और बुलेटिन पर बताया जाता है। किसानों को बिचौलिया और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। ये भी बात सत्य है कि भारतीय किसान को जो उसका जो लाभ है ना, वे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तब तक तो वे मंडी में बेचता है तो बीच में बिचौलिया लोग उसको उसका कमीशन खा जाते हैं, इससे उसको यानी कि नुकसान होता है। इसलिए ये भी लागू किया गया कि जो बिचौलियापन है, जिसे हम कहते हैं मीडिएटर प्रणाली को खत्म किया जाए, दलालों को कम किया जाए, जैसे किसानों का शोषण नहीं हो सके और किसान को उसकी मेहनत का जो लाभ है उसे तुरंत उसको मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो हमने ये पढ़ा अखाद्य फसलें, कि अखाद्य फसलें में हमने पढ़ा जैसे रबड़ पढ़ा हमने, रेशेदार फसलें पढ़ा है ना, इसमें जूट पढ़ा, कपास पढ़ी, और साथ में हमने प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार पढ़े, हमें कौन कौन सी प्रौद्योगिक संस्थागत सुधार करने चाहिए जिससे भारतीय जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, भारतीय किसान कृषि के कार्य में संलग्न रहे, वे कोई दूसरे अन्य कोई कार्य नहीं करे, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है आज भी भारतीय कृषि में जीविकापार्जन के लिए ये तत्पर है। इसलिए हमें भारतीय किसानों को न केवल गवर्नमेंट के नियम से
तब ये आम जनता को भी किसानों का सपोर्ट सपोर्ट करना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पाद कर सब व्यक्तियों को यानी कि भरण पोषण का एक हमें अन्न प्रदान कर सके। तो ये था आज की वीडियो में खाद्य फसलें और प्रौद्योगिक सुधार। ओके, थैंक यू।